हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सर, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है, नॉर्मल रहना। जैसे अभी आप वीडियो देखने के पहले है वैसे ही रहना है। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि बहुत दिन के बाद हम लोग पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ लेके आए हैं। वैसे तो डेली न्यूज़ निकलता है, बट जो ट्रूथ न्यूज़ है वो थोड़ा दिन बाद ही आता है जो एक्चुअल में सही है, ठीक है। तो कल शाम को ही वैसे मैं डिस्कॉर्ड सर्वर एंड टेलीग्राम में एक पोस्ट डाला था जो कि जेम स्पोर्ट ने अपलोड किया था, और उसके बाद मैंने अभी वेरीफाई किया था तो वो भी सही था, ठीक है। तो आज और भी बोल सकते पोस्ट अपलोड हुआ जो कि एक पॉजिटिव साइन है पबजी मोबाइल इंडिया का वापस आने में। तो चलो आज उसी से रिलेटेड बात करने वाले, और क्या क्या चीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले। फिर बता रहा हूँ, हाइप नहीं क्रिएट करना, नॉर्मल रहो, जैसे पहले था वैसे रहना। तो कल शाम को एक पोस्ट अपलोड किया गया था जेम ई स्पोर्ट की तरफ से, और इसमें जैसे कि आप देख पर लिखा हुआ, पोजिशन ऑफ अ कंट्री मैनेजर इन इंडिया फॉर पबजी मोबाइल हैज़ बीन असाइन टू अनेस अरविंद अंडर क्राफ्टन। जो मैनेजर है इंडिया का पबजी मोबाइल का, वो एक नया असाइन हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे अनेस अरविंद, और ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। उसके बाद आप देख पा इसमें लिखा हुआ, अनेस अपडेट हिज प्रोफाइल स्टेटिंग एज सच ही हैज़ प्रीवियसली वर्क एज अ जनरल मैनेजर एंड बिजनेस हेड ऑफ अ साउथ एशिया अंडर टेंसेंट। गुड न्यूज़, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़ अमंग द अनसर्टेनिटी ऑफ अ गेम बींग बैक। तो आई होप आपको समझ में तो आ ही चुका होगा। तो ये जो अनेस अरविंद जी है, ये अभी मैनेजर पोस्ट के लिए असाइन हुए हैं पबजी मोबाइल इंडिया का, बोल सकते क्राफ्टन का, और उसके साथ साथ ये पहले काम कर चुके हैं जो कि है जनरल मैनेजर ऑफ बिजनेस हेड ऑफ साउथ एशिया अंडर टेंसेंट। टेंसेंट के अंदर पहले काम करते थे, जैसे आप बताया टेंसेंट अभी फिलहाल के लिए हट गया, तो अभी क्राफ्टन में लोग शिफ्ट हो गए। तो ये तो था पहला प्रोफाइल, और इवन मैं ये जो पोस्ट है ये कल ही आपको शाम को दिखा दिया था आपके टेलीग्राम ग्रुप में एंड डिस्कशन में दिखा दिया था। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन पता है। आई होप का जो पहला जो पोस्ट है वो देख लिया होगा। अभी हम सेकेंड पोस्ट में आते हैं, और दो लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट किया गया जो कि टेंसेंट के अंदर पहले काम करता था, वो भी अपना प्रोफाइल को अपडेट करके क्राफ्टन कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे अर्पिता एंड करण जी जो दोनों हैं, उधर आप देख पा रहे सीनियर कम्युनिटी मैनेजर एट क्राफ्टन हो गया, उसके साथ साथ ये भी सीनियर ई स्पोर्ट मैनेजर ऑफ क्राफ्टन है। दोनों ही आप देख पा रहे पहले टेंशन के लिए काम किया है। देखिए ये जो पहला प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं अर्पिता जी का, इसका इनका जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर 6 मंथ का है, और इनका आप देख पा रहे टेंसेंट के अंदर। और जो ई स्पोर्ट मैनेजर होने वाले, तो आप देखो सीनियर ई स्पोर्ट मैनेजर, उनका जो एक्सपीरियंस है टेंसेंट के अंदर 2 ईयर 7 मंथ, ठीक है। आई होप आपको कंप्लीट तो समझ में आ ही चुका। अभी आप देख पा रहे दिसंबर 2020 को वो लोग क्राफ्टन ज्वाइन कर लिया, अपने प्रोफाइल को भी चेंज कर दिया। तो बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ रहा है जो कि रियल। अगर आप थोड़ा बहुत प्रोफाइल को सर्च करेंगे लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। वैसे अनेस अरविंद जी का जो पोस्ट है वो अभी आपको लिंक्डइन में नहीं मिलेगा, कल शाम को मैं देखा था अभी हट गया, क्योंकि मुझे लगता है वो जो वायरल हो जाता है ना पोस्ट उस, तो इसी चलते वो लोग अपने पोस्ट मतलब अपने प्रोफाइल को हाइड करके रखे। बट ये रियल है, क्योंकि जब हम लोग चेक किया था उसमें वेरीफाइड वाला भी बहुत सारा चीज़ था, इसलिए हम लोग मान सकते ये रियल है। और अभी आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगा, या ये बोल सकते प्रोफाइल को हाइड कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा हाइप बढ़ जाता है, इसके चलते ये चीज़ नहीं करना चाहता है पबजी। डेफिनेटली वो चाहता है डायरेक्ट जिस दिन गेम आए उसी दिन हाइप बने, आपको पहले से हाइप क्रिएट करके वही निराश वाला बात नहीं करने वाला। तो चलिए इसका कुछ कैप्शन जो है जेम स्पोर्ट का, ये दो प्रोफाइल का, वो हम लोग देख लेते हैं। फ्यू मेंबर फ्रॉम द ऑपरेशन टीम ऑफ टेंसेंट साउथ एशिया इंडिया हैव बीन अपडेटेड देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन स्टार्टिंग दैट दे हैव ज्वाइंट क्राफ्टन। जैसे कि आप देख पा रहे, मैं आपको पहले ही बता दिया, पहले ये लोग टेंसन के अंदर काम करते थे, बट अभी वो लोग अपना प्रोफाइल को चेंज कर दिया, मतलब अब क्राफ्टन के अंदर काम करेंगे। दिस चेंज इज प्रोबेबली टू द फैसिलिट द ऑपरेशन ऑफ अ पबजी इन इंडिया। तो ये चेंज इसीलिए किया गया जिससे ये लोग आराम से पबजी मोबाइल इंडिया या पबजी इंडिया जो भी होने वाला है उसको अच्छा से ऑपरेट कर पाए, क्योंकि वो लोग टेंसन के अंदर पहले काम करते थे, बट अभी वो क्राफ्टन के अंडर काम करेगा जो कि बैंड नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको ये दोनों पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको बता दिया, तीन प्रोफाइल फिलहाल के लिए अपडेट किया गया जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना है और थोड़ा सा और वेट कर लेना है कि तो जब भी पबजी मोबाइल आएगा आने देते हैं, ज़्यादा हम लोग हाइप नहीं क्रिएट करते, क्योंकि हम लोग को पबजी मोबाइल के यार ग्लोबल वर्जन में इजीली खेलने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर खेलने नहीं मिलता, आप खेल नहीं पा रहे तब एक प्रॉब्लम है, बट आप तो खेल पा रहे, इवेंट का भी मजा ले पा रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आएगा आने देते हैं, ज़्यादा हम लोग हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, और डेफिनेटली जब आएगा तो हम लोग वेलकम इसको करेंगे धूमधाम से, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।